अभी SSGT के एग्जाम के मात्र 60 दिन बचे। आप सभी को पता है जनवरी माह में एग्जाम है और सभी बच्चे रात को 12:30 बजे तक का टाइम दिया हुआ। अभी देखो टाइम हुआ है 11 बजे है और अभी मैं जा रहा हूँ गर्ल्स अकेडमी में चेकिंग करने के लिए कि कौन सो रहा है और कौन जग रहा है। मैं डंडा तो भूल गया हूँ, पानी की बोतल भी नहीं है मेरे पास में। कोई ना कोई शिकायत तो पक्का मिलेगा देखिए। और हाँ, कई बार पिछली बार मैंने जब गर्ल्स अकेडमी का वीडियो बनाया था तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए, सर आपको गर्ल्स अकेडमी में आप चेकिंग करने के लिए क्यों जाता, क्योंकि हमारा बोला हुआ रहता है बेटा कि 12:30 बजे तक कभी भी मैं आ सकता हूँ, तो आप ऐसा कोई भी कपड़ा ना पहने जिसमें आपका वीडियो ना बन सके, ठीक है। ये हर एक बच्चे को इजाजत दी जाती है कि 12:30 बजे तक आपको अलर्ट रहना हमेशा, इस बात के लिए कि आपको तैयारी करनी है और पढ़ाई के हिसाब से ही बैठे आप, समझ गए बात को, तो उसके लिए आप इतना चिंतित मत होइए, ठीक है। तो मुझे यहीं से गाड़ी की लाइट ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि नहीं तो गाड़ी का फ्लैश चला जाएगा गर्ल्स अकेडमी में और वो आसानी से पहचान जाएगी, क्योंकि बहुत होशियार होती है भाई लड़कियाँ। पिछली बार भी उन्होंने मेरी गाड़ी की आड़ से पहचान लिया था। अब हमको यहाँ एक बार कैमरा भी बंद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि गाड़ी के अंदर लाइट हो रखी है, अब लाइट बंद करनी पड़ेगी, कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, फिर हम सीधा एंट्री में ही दिखाएंगे आपको, ठीक है। एक मिनट, वो गर्ल्स अकेडमी दिखा दी यहाँ से, जो अलग अलग कलर की दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है गर्ल्स अकेडमी लाइट लो। ओके, एक बार लाइट ऑफ कर। मेरी लड़कियों में इतना दिमाग उन्होंने क्या किया है कि एक लड़की, एक दो लड़की है वो ऊपर बाहर की तरफ बैठ के पढ़ रही है, तो अब मैं इधर से गाड़ी लेके जाऊंगा, एक मिनट में पहचान लेगी, इसलिए मुझे एक और गुप्त रास्ता देखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे घूम के आना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत चालाक है, उन्होंने सब सेटिंग कर रखी है। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था, जैसे मैं गर्ल्स अकेडमी के आसपास पहुंचा था उन्होंने क्या किया, सर 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 गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, ऐसे जैन सर जैन सर, तब तक नीचे आवाज पहुंच जाती। इसलिए मुझे आज दूसरी चाल चलनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, आज पक्का पकड़ेंगे आज, और मुझे 100% विश्वास है कि सोई है किसी ने, कम से कम नहीं तो भाई हम दूसरी साइड से आए थे, एक साइड है ये कल से गेट में क्या लड़कियां सब उस साइड में देख रही है रोड की तरफ। कहाँ आ रहा था मैं, देख लो मैंने बोला था ना, ये इसीलिए वहां बैठी है, नजर रह सके मेरे ऊपर कि मैं कहाँ से आया, लेकिन फिर भी तुमको नहीं बता था मैं कहाँ से आया। मतलब इनका पूरा किताबों में किसी का ध्यान नहीं है, ध्यान सिर्फ इनका इधर है कि सर किधर से आ रहे हैं। ऊपर वाली सुनो क्या उतरते, मुझे तो मैं बाहर आई थी ना तब आवाज आई थी, मैंने सोचा विराट सर तो गाड़ी से आते हैं, यहाँ से कौन पैदल आएगा, पागल थोड़ी है। इधर के पास सर की गाड़ी खड़ी है, वहाँ उस साइड में वहाँ पर खड़ी है उस घर के पास, अगले से अगले के पास। हाँ मैंने आवाज तो सुनी थी, हाँ सुनी थी, मैं तो इधर गया था उधर से घूम के आया हूँ, मैं कहा चेक तो करे, लेकिन तो सारे जगह है भाई, कोई सरप्राइज मिला ही नहीं है। मीना जी आप भी देख रहे हैं, मोनिका जी आप भी देखो, SSGT तुमने क्या सितम किया रे, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां रात में जग रही है, बोलो हैं मीना जी हमेशा क्यों लगता है मैं सोचाती हूँ, क्योंकि इसकी आंखें देख लेना भाई, अभी छोटी छोटी आंखें, मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे मेरी प्रॉब्लम है क्या, छोटी तो और कितनी बड़ी आगे लगी बेटा, हर टाइम क्लास में भी ऐसे बोलते तो सॉरी है, अब क्या करूं, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है तू नींद में रहती है। एक बात है, नॉर्मल ठंड है, बढ़िया से पढ़ाई हो रही है भाई, देख लो क्या टाइम हो गया, 10:11 पूरा देख रहे, देखो मेरे बताने की जरूरत नहीं है, 9 मिनट आगे चल रहे हैं टाइम से।
हाँ पूछा जी, 2 मिनट आगे चल रहे टाइम से, बोले की 11:30 है। और अब नहीं नाना भी सर, नहीं मैं चुप, सर शुरू दो। बोलने वाली थी वहाँ, मतलब से वेट करी। नहीं नहीं रोज नाती मैं, अरे रात में नहीं रहा, रात में क्यों नाती तू सुबह? अरे आप सुबह कर रहे हो, किस किस की एज नहीं हुई 18? मेरी नहीं हुई। एक तो बसंती, एक और कौन है बेटा? एक गिला है ना, कांता। ए कांता बेटा, लेकिन ये तो पढ़े, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एज होगी तेरी 18, तो तू फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है ना इस बार? हाँ एलिजिबल है। 1 जनवरी मांगी है, दिसंबर में होगी तो जनवरी तक चलेगा फॉर्म भरेगा तेरा। तो जिसका फॉर्म नहीं भरेगा प्लस जो फीस, बाकी तो सब तुम स्टडी वाले नहीं हो, पढ़ाई वाले। ऊपर कौन कौन है रे भाई पुरानी? तो सीटी नजर नहीं आ रही मेरे को। अच्छा मुझे तो ऊपर वाला घातो पुरानी यहाँ कैसे? अरे देखो इनके बिस्तर लगे हुए दिखाता हूँ, क्रीम पाउडर आउडर सब पड़े हैं भाई। ओहो उसका गुजरेरी है देखो। अरे उधर रुक, देखो भाई उधर ले बैठे, रजाई गुजरे सब लगे हुए पड़े हैं। ओहो बेचारो, अरे तुम कोई पाउडर क्रीम कुछ नहीं लेके दूंगा मैं, इनको ये डर है। मैं एक दिन मजाक में क्या बोल दिया कि मैं लड़कियों के पाउडर चुरा के लगाता हूँ, ये तो सीरियस ले लिए हैं। भाई इनका सर्दी में क्या होगा रे कालिया तेरा? चलो सर्दी में क्या होगा तेरा? चलो तो पूरी चलो तो पूरी ऐसे लग रही गाँव में लेडी फिट कर दे वैसे ही। ए वानी अच्छा, ऊपर भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो तुम? लाइट और भी तो है, साइड जला दी। ये वाला बल्ब उतार किसी ने, ये वाला बल्ब लगाओ। नहीं नहीं मैं नहीं पूरा देख रही थी उधर, मुझे पता है, इसीलिए मेरे बेटा गाड़ी लेके गया भाई मैं उधर। ये रुकी नहीं गाड़ी में, गाड़ी की लाइटें ऑफ कर दिया अकेडमी से, सारी लाइटें ऑफ करके फिर आया मैं यहाँ के टीपे के पास रुका। मेरे को दिख गई थी ये, क्या नाम है उसका? कांता। मैंने कहा ये इनका पहरादार है, ये चौकीदार है, ये उधर देख रही थी ये। फिर मैं इधर गया पूरा घूम के उस सिटी के अंदर, चाय पानी पी के फिर इधर आया। अब मेरी गाड़ी खड़ी है लाडलो, देखो उधर कुछ वो जो मकान की लाइट है ना, वहाँ मुझे ब्लैक इस मकान, तुमको यहाँ से नहीं दिखेगी। नहीं ये लाइट लग रही है यहीं पे होगी, तुमको नहीं दिखी, छुपा के खड़ी किया ना मैंने। अब जाके लेके आऊंगा गाड़ी को, लेकिन भाई असफलता हाथ लगी है मेरी। रात के 12:30 बजे तक भगवान क्या है ऐसी सी जेडी, ठंड लगी बेटा, रूम में पढ़ोगे नहीं तू। और देखो एक शॉकिंग बात बोल रही है, रूम के अंदर, अगर बेटा मैं रूम के अंदर का बोलता ना तो मैं आता तो 6:30 बजे में नहीं। अगर मैं रूम के अंदर का बोलता तो तुम में से 50% सोया हुआ मिलता मुझे। 50 तो थोड़ी। हाँ अभी कौन कौन आता है हाथ खड़े करो? सारे अभी नाते हैं। लड़ाई झगड़े हो जाएंगे भाई, चलो। अरे सुनो मेरी बात बेटा, लड़कियों ए लड़कियों, हाँ तुम्हारे लिए करूंगा मैं, अरे लड़कियों के लिए कर रहा हूँ, लड़की के लिए करूंगा जरूर। गर्म पानी सब मैं, वो दो वो ले आएंगे छू ले आते ना बड़े वाले आग लगाने वाले, तो लकड़ी भी, अरे चूल्हा मंगाएंगे तो लकड़ी भी मंगाएंगे, सिर्फ नहाने नहाने का पानी तुमको गर्म मिल जाएगा, कपड़े धोने आने। अरे रोड मेरे पूछते तो खींच देगी मीटर में, रोड कितने की लगा देगा? उसमें आग जिसको नहाना होगा वो जलाओगा, उसमें आग कौन जलाओगो? जिसको गर्म पानी से नहाना होगा ना वो आग जलाओगो, सर आके ना जलाओगो। बता
उसमें आ कौन चलाओगो? तो गर्म पानी से नहाना है तो को गर्म पानी से नहाना है कि नहीं? नहीं ना। और तो गर्म पानी से नहाना है तो आग जलाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा ये भी तुमने उगा लिया है भाई? पौधा भी आउटर आउटर चेक लगाने के आई है। कौन ले गई? कौन ले गई? तू कौन सा ले गई? तभी ये रितु गोरी गोरी हो रही थी। अरे भाई एलोवेरा सही है क्या? अरे मेरे को लगाना तभी पूछ रहा हूँ। अरे सही है यार, अरे हाँ बहुत अच्छा काम किया तो धन्यवाद। अरे भगवान काहे का एसएससी जीडी काहे की नौकरी कुएं में डाले थी? नौकरी को नहीं गिला, अब ये गिला बेचारी फांस में से रखी है तुम्हारे चक्कर में। गिला पीला हो रखा है, गिला भगवान लिया है बेटू, गिला पीला हो रखा है। ये मेरे को आगे बोलती है सर मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो जीडी की तैयारी नहीं कर रही, मेरे को क्यों मार रहे हो? गिला फालतू में पीला हो रखा है। हाँ गिला कोई बात नहीं, तेरा और बसंती और एक मेंबर और है, तुम तीन को फिजिकल नहीं पढ़ाई तो करनी है, लेकिन एक तो सुबह तुम्हारा टाइम रनिंग का कर देंगे सर, और शाम का भी टाइम तुम्हारा थोड़ा सा, तो मेरे लिए पेपर बनाओगे तुम तीनों, जो भी मैं दूंगा बुक आ रही है ना अपनी, उसके लिए पेपर राइटर तुम ही हो। अरे अभी भी तुमको जगाने की जरूरत पड़ रही है। हाँ स्पीकर तो लेंगे, स्पीकर उधर फ्री है वो, लेकिन तुम्हारी अभी भी नींद नहीं उठती क्या? 3 बजे उठते हो और फिर कहाँ जाते हो? अरे भाई काहे की जिंदगी है भाई। अच्छा कपड़े धोने उस दिन कितने बजे उठते हो? 3 बजे। देखो भाई बोल रहे कपड़े धोने उस दिन उठता है 2:15 बजे रात को, और नहाना हो तो उठते हो 3 बजे, और सोते हैं 12-12:30 बजे तक। क्यों अभी 12:30 बजे? मैं इनको ऐसी बात नहीं है भाई कि मैं इनको 10 बजे नहीं सुलाना चाहता, मैं अगर इनको बोल दूंगा 10 बजे सो जाओ तो भी ये 2.5 घंटे बातें करेगी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया है कि 12:30 बजे टाइम कर दिया, तो अब ये बातें करती है 10 मिनट 12:40। मुन्ना बेटा बेटा मेरे को सब पता है। हाँ तो तेरे अकेले से नहीं होता ना बेटे, ओवरऑल कोई भी 12:40 से पहले नहीं सोता है, इसलिए हमने क्या किया इनकी सुविधा के लिए जो बातें की बजाय आप पढ़ लो। बढ़िया काम किया ना भाई? Yes, sir. देख लो भाई अब हम जगा के रखने की गारंटी तो हमारी, सोने तो हम इनको देंगे नहीं 2 महीने, फिर भी नौकरी नहीं लगे तो इनका भाग्य है। ठीक है हमारी तरफ से कोई कमी है? मोनिका जी कोई कमी है हमारी तरफ से? इग्नोर। सपना जी कोई कमी है हमारी तरफ से बाबू? नहीं सर। या और क्लास चाहिए? अगर कई क्लास में कमी हो? नहीं सर। नहीं तुम बोलोगे तो एक दो सर और बुला देंगे। मेरे को लगा दें कब लगाए? 11 से 12 लगा दें आपको? राहुल सर की लगाई बेसिक की? चलो ये मंजिल बेसिक कर रहे हैं ना शाम की, मेरी मेथ के हटा के तुमको उधर कर देंगे सर, जो मेरा वाला है ना कॉन्सेप्ट इधर चलेगा पेपर में। कौन तुम्हारे? उनकी लाइब्रेरी वाले सर की ओर लगा रहे हैं वो तुमको घने क्यों और वो याद रहेंगे? नहीं वो लाइब्रेरी वाले सर की क्या प्रॉब्लम है? अब उनको याद, देखो हमको अलग अलग टाइप के सर ला रखे हैं, इनको याद कराने के लिए एक सर अलग ला रखा है भाई हमने। अब इनको घन, देखो मैं अगर इनको घन वर्ग और पहाड़ याद कराऊंगा तो मेरे को लग जाएंगे 3 दिन, जबकि 3 घंटे में याद कराएगा, कल तक इनको सबको याद रहेगी, देख लेना। सही बता रहा हूँ ना? देख ऐसे बोल रही है। अरे तुमको अभी इतनी जल्दी ठंडी लग रही है बेटा, तो आगे क्या हाल होगा तुम्हारा? नहीं लग रही है सर। हाँ अरे मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ भाई, तो इसको लग ही नहीं रही है, लड़की को हाफ पहन रखी इसने। लग रही है बहुत, मैं तो जरूर है मेरे बेटी है। हाँ तू वेट कर रही है कि विराट सर ऐसा नहीं कि धक्का बोल दे सीधा आगे हमला। सर ये बोल रही थी बाहर बैठ जाओ, सारे विराट सर जो बोलते ना वो करते आ जाएंगे कहीं से। पता था मेरे को भाई आज नंबर भी आ जाएगा, पढ़ दो आ जाओ।
इधर जूते पड़े रात दबा के, तुम ही बच्चों को कोई मिल जाता ना सोते, क्योंकि तुम्हारा नंबर ही था आज। ये तुमने बढ़िया डिसीजन लिया कि तुम पढ़ते मिले गए, अगर नहीं मिलते आज तो तुम तो तुम्हारा कल से सोना तो बंद, तुम्हारा नहाना भी बंद हो जाता। हफ्ते में एक ही बार नहाते थे क्योंकि मैं एक बजे का टाइम कर देता। अगर मेरे को एक भी कोई सोता मिल जाता, पहले बोला था मेरे को कोई मिल गया ना सोते, अरे एक बजे के बाद में तुम्हारा हिलना नहीं होगा, नहाना तो बंद हो जाएगा, तुम्हारा अभी टेस्ट शुरू नहीं हुआ बेटे, अभी तो कोर्स ही चल रहा है, आने दो तुम थोड़े रूटीन में, वो ओमर सीट चेक होने लग जाएगी ना, फिर तुम्हारे को नहलाता हूँ मैं, तुम तो नहाने की पड़ी है, बदबू आएगी वहां तक, वो मोहल्ले वाले बताए भाई तुम्हारी लड़कियां नहाई नहीं है महीने से। एग्जाम वाले दिन नहलाएंगे तुमको गर्म पानी करके, बढ़िया जी गर्म पानी करके यहाँ पे रख देंगे, अरे आग लगा देंगे इसमें, आग लगा देंगे। हाँ का के लिए, हाँ ये सही है, पेपर दे के आके ना हो, नहीं तुम्हारा ध्यान रखना सोते मिलना नहीं कभी, जो टाइम दिया ना उसमें कोई मेरे को लेट मिल गया सुबह शाम, मेरी खोपड़ी आदि खराब है आजकल, जाना नहीं मेरी आदि नहीं मतलब पूरी कर।